My dear student, on the basis of the video, I am going to explain some example related electricity. In example first, we have given a piece of wire. किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वह एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो या सिल्वर हो, किसी भी सब्सटेंस का बना हुआ एक वायर है, एक पीस ऑफ वायर। अब यदि इसको आप पीस ऑफ वायर के रूप में लेते हैं, सपोज दैट, तो वायर का जो शेप है वह सिलिंड्रिकल शेप, तो ये जो एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया मिलेगा, जिसको वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। अब अगर वायर का रेडियस अगर स्मॉल आर हो तो इस एरिया का जो वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन वायर इज 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इस एग्जांपल में इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इस वायर का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर इसका सिंबल स्मॉल है 3 मीटर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 3 × 10⁻²। ध्यान रखिएगा, इस एग्जांपल में एक पीस ऑफ वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इस वायर का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से आप कंप्लीटली कंफर्म है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है 3 × 10⁻²। अब क्वेश्चन है कि जिस सब्सटेंस का यह वायर बना हुआ है उस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसका सिंबल रो होता है उसका वैल्यू क्या है। ध्यान रखिए, हम लोग को इस वायर का रेजिस्टेंस गिवेन है, इस वायर का लेंथ गिवेन है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवेन है। अब है कि जिस सब्सटेंस का बना हुआ है वायर उसका क्या रेजिस्टिविटी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी जिसका सिंबल रो होता है। और हम लोग एक चीज देखे थे, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ वायर डिपेंड्स, उसमें देख रहे थे कि किसी भी वायर का अगर लेंथ ए एल से रिप्रेजेंट किया जाए, इफ वैल्यू ऑफ लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एल, वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल ए, और जिस सब्सटेंस का बना हुआ है वायर उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू अगर रो हो, तब इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। इस वायर का रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा रो इंटू एल वाई, हम लोग को ए का वैल्यू दिया हुआ। अब ऐसी स्थिति में रो एल का वैल्यू जो होगा आर ए होगा, अब ऐसी स्थिति में रो का जो वैल्यू होगा आर ए वाई है, तो वैल्यू ऑफ आर इज गिवेन 3 × 10⁻²। वैल्यू ऑफ ए इज ऑल्सो गिवेन 1.7 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ एल इज गिवेन 3 मीटर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस सब्सटेंस का वह वायर है उसका रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू मिलेगा 1.7 × 10⁻⁸ मीटर। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला में 3 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट तो रो है, फिर एल है और ए है, जिस पर किसी वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इस कैपिटल आर इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर, स्मॉल एल लेंथ ऑफ वायर, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड रो जिस सब्सटेंस का वायर बना है उसका रेजिस्टिविटी, इस 4 में से एनी 3 किसी भी 3 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग 4th वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसी भी 3 का वैल्यू अगर दिया रहे, इफ एनी 3rd इज गिवन देन वैल्यू ऑफ द 4 कैन बी डिटरमाइंड बाय द गिवन इक्वेशन।
थोड़ा सा एक दूसरे एग्जांपल में आइए। इस एग्जांपल में एक पीस ऑफ वायर है। क्वेश्चन करता है व्हेन डायमीटर बिकम्स डबल। अगर इस वायर के लेंथ को अनइफेक्टेड रखा जाए, अगर लेंथ में किसी तरह का चेंजिंग नहीं किया जाए, अगर इसके डायमीटर को डबल कर दिया जाए, तब इसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट? ध्यान दीजिएगा मेरी बात। एग्जाम्पल सेकेंड में क्वेश्चन है कि अगर कोई पीस ऑफ वायर है, अगर इसके लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं, सबटांस में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ इसके डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन डायमीटर बिकम्स डबल। तो सपोज ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, लेंथ है स्मॉल एल और रेडियस स्मॉल आर। ऐसी स्थिति में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा पाई आर स्क्वायर। अब यदि हम लोग ए का वैल्यू दें इस इक्वेशन में, इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ये जो इनिशियल रेजिस्टेंस, अगर वायर का लेंथ एल है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और रेडियस स्मॉल आर है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। अब यदि इसका डायमीटर को डबल किया जाता है, तो डायमीटर यदि डबल होगा तो इसका रेडियस डबल होगा। तो वैसी स्थिति में इस वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, अगर उसको आर वन मान लिया जाए, तो आर वन का जो वैल्यू होगा रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू टू आर स्क्वायर। क्योंकि सबटांस चेंज नहीं किया गया है, इसलिए रो चेंज नहीं होगा, लेंथ भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ डायमीटर डबल किया गया है। डायमीटर डबल करने के कारण इसका रेडियस डबल हो गया। तो वैसे स्थिति में ये जो वैल्यू मिलेगा आपको रो इंटू एल बाई पाई और टू आर का होल स्क्वायर हो गया फोर आर स्क्वायर। तो ये जो इसको इससे वन बाई फोर पावर निकालने तक लोगों को रेस्ट टर्म बन जाता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। और रो इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर तो इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। तो कहने मतलब है कि अगर किसी वायर का लेंथ को अनइफेक्टेड रखा जाए, लेंथ को चेंज नहीं किया जाए और उसके डायमीटर को यदि डबल कर दिया जाए, तो वैसी स्थिति में इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा आर वन, वह इनिशियल रेजिस्टेंस का वन बाई फोर। तो कहने मतलब कि न्यू रेजिस्टेंस जो होगा आर वाई, अगर इनिशियल रेजिस्टेंस का वैल्यू 8 ओम है, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा 8 ओम बाय 4 कनेक्ट मतलब है कि 2 ओम। इस तरह से किसी भी वायर के डायमीटर को यदि आप डबल करते हो, न तो सबटांस में किसी तरह का चेंजिंग, न लेंथ में किसी तरह का चेंजिंग, तो वैसे स्थिति में उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा इनिशियल रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स है। यानी इनिशियल रेजिस्टेंस यदि 8 ओम है, तो वैसी स्थिति में न्यू रेजिस्टेंस 2 ओम। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस आपका 16 ओम है, तो न्यू रेजिस्टेंस 16/4 यानी 4 ओम। दैट्स इट।